नमस्कार दोस्तों, फंसरी जी के आशीष में आपका स्वागत है। विज्ञान क्रम में हम आपको कक्षा 7 की विज्ञान पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमने आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ समाप्त कर दिया है। हम उसमें आपको पूरा नहीं पढ़ा रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है वही हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपका पूरा चैप्टर पढ़ने में टाइम खराब ना हो। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो जो हम पढ़ा रहे हैं केवल उन्हीं में से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होगी, और उससे रिलेटेड चीजों से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होगी, ठीक है ना। तो जैसा कि यूपी बेसिक की जो किताबें हैं उसी कक्षा 7 की किताब हम पढ़ा रहे हैं विज्ञान की, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे उसका दूसरा चैप्टर। सिलेबस हमने आपको कल बता दिया था कि कौन कौन से इसमें चैप्टर आते हैं, ठीक है ना। तो आज आएंगे रेशों से वस्त्र तक, आज आएगा चैप्टर हमारा रेशों से वस्त्र तक। ये क्लास 7 की है और पार्ट कौन सा है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, हम वही बताएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम यहां पर डिस्कस कर दिए हैं इस क्लास में, पूरे चैप्टर हम नहीं पढ़ाते हैं। ये हमने जो विज्ञानी क्लास शुरू करी थी उसी समय हमने बता दिया था, इसका अभी एक लेक्चर हुआ है फर्स्ट चैप्टर का, आप उसको देख सकते हैं उसमें कौन कौन सी हमने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। अब पहला, पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को क्या कहते हैं, रेशों को क्या कहते हैं हम, पादप रेशे, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही है, इसको बोलेंगे हम पादप रेशे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम पादप रेशे। उसके बाद दूसरा, कपास के पौधे से क्या प्राप्त किया जाता है, कपास के बिनोलों से, कपास के किससे, बिनोले से, कपास के बिनोलों से क्या प्राप्त की जाती है, रुई। क्या प्राप्त किया जाती है, रुई प्राप्त करी जाती है, जो रुई हम लिहाफ वगैरह भरवाते हैं गद्दों में, वही रुई किससे प्राप्त होती है, कपास के बिनोलों से रुई प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसका उपयोग हम और अन्य चीजों में भी कर सकते हैं, जैसे सूती वस्त्र है, चादर है, कागज के उपयोग में इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, पटसन या सनई। नंबर 3, पटसन या सनई, क्या पटसन या सनई के पौधे से, सनई पौधे के तने से क्या प्राप्त होता है हमें, पटसन के पौधे या सनई के तने से क्या प्राप्त होता है हमें, यहां पर प्राप्त होते हैं जूट के रेशे। क्या प्राप्त होता है, जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। इनको याद रखना, इसको नोट करते चले, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तब क्या प्राप्त हो जाते हैं, रेशे। इनका उपयोग कहां किया जाता है, जूट का, जूट के रेशे की रस्सी, बोरा, दरी आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब नंबर चार क्या है, नंबर चार आया जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशो, क्या बोलेंगे हम, ये तो पौधों से पादप रेशे, और जंतुओं से जंतुओं से प्राप्त रेशे क्या बोलेंगे, जंतु से जावंत रेशे कहे जाते हैं, क्या जावंत रेशे, जातव रेशे, जावंत नहीं, जातव रेशे, जातव रेशे कहते हैं इनको, क्या बोलेंगे हम, जातव रेशे, जंतु से प्राप्त होने वाले रेशों को, ठीक है ना। ऊन तथा रेशम क्या है, ऊन तथा रेशम ये प्रमुख, ऊन तथा रेशम प्रमुख जातव रेशे हैं। ऊन तथा रेशम को सवाल आ गया, ऊन तथा रेशम किस तरह के रेशे हैं, तो जातव रेशे किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों क्या बोलेंगे, पादप रेशे। कपास
कहां से प्राप्त होती है, बिनोले से और रुई, है ना, कपास के बिनोले से क्या प्राप्त होता है, रुई, या रुई कहां से प्राप्त होती है, कपास से। पटसन या सनई के पौधे से क्या प्राप्त होता है, जूट के रेशे, या जूट के रेशे कहां से प्राप्त होते हैं, सनई के पौधे के तने से या पटसन से, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। जंतुओं से प्राप्त रेशे जतवा रेशे कहलाते हैं, प्रमुख ऊन तथा रेशम ये उसके जातव रेशे के दो प्रमुख उत्पाद है, ठीक है ना, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद ऊन के रेशे किससे प्राप्त होते हैं, ठीक है, भेड़ या याक, ऊन के रेशे किससे प्राप्त होते हैं, भेड़ या याक से प्राप्त होते हैं, ठीक है, भेड़ या याक के शरीर पर उपस्थित बालों से ये ऊन हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और रेशम का हमें पता ही है, रेशम कीट से, रेशम कीट से प्राप्त होता है रेशम। और ये कहां पाले जाते हैं, एरंड और सैतूत के पेड़ों पर ये रेशम कीट पाला जाता है। इसी कोकून अवस्था से हम रेशम प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो रेशम कहां से प्राप्त होता है, रेशम कहां से प्राप्त होता है, रेशम, नंबर 5 का पॉइंट बना लीजिए इसको, रेशम किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट के, रेशम कीट की कोकून अवस्था से, किससे, कोकून अवस्था से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है हमें, रेशम, रेशम का मतलब होता है रेशम कीट की कोकून अवस्था से हमें रेशम प्राप्त होता है, ठीक है। अब एक चीज और आएगी, क्या, और इसका उपयोग कहां होता है, रेशमी वस्त्र बनाने में, भेड़ की त्वचा के बालों से प्राप्त तो किए जाने वाले मुलायम रेशों को ऊन कहते हैं, भेड़ की बालों से, या के बालों से प्राप्त ऊन, मुलायम, मुलायम बालों से प्राप्त मुलायम रेशों क्या बोलेंगे, ऊन बोलेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या गया, ये हमारा रेशम कीट से आ गया, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास 7 की पार्ट 2 की, पौधों से प्राप्त होने वाले पादप रेशे, कपास बिनोले से प्राप्त रुई, पटसन या सनई पौधे के तने से प्राप्त जूट के रेशे, जंतुओं से प्राप्त जातवा रेशे या जातव रेशे, प्रमुख ऊन तथा रेशम इसका प्रमुख जातव रेशे का उदाहरण है। ऊन कहां से प्राप्त हो जाती है, भेड़ और याक के बालों से, जो रेशम मुलायम जो बाल होते हैं उनसे ऊन प्राप्त करी जाती है, और रेशम किससे प्राप्त होती है, रेशम कीट ही कोकून अवस्था से प्राप्त होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लास 7 की चैप्टर 2 के। अगले और देखिए, थोड़े और पॉइंट्स हम आपको लिखाने जा रहे हैं, थोड़े से पॉइंट और लिख लीजिए, ये जो पॉइंट है आप लिखते चलिए, इसमें यही पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, और हम आप हमने पढ़े नहीं होते, क्योंकि हम सोचते हैं हमने क्लास 7 का सब कुछ पढ़ रखा है तो हमें सब आता है, जबकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में बैठकर हमको याद नहीं आती, हमने बेशक पढ़ा होता है लेकिन उसका रिवीजन हमें करना आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से रिवीजन सीरीज है आपकी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड जे एंड के लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली, कौन से पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी बकरी, अंगोरा बकरी, अंगोरा बकरी, अंगोरा बकरी से क्या होता है, अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, अंगोरा बकरी से कौन सी ऊन प्राप्त होती है, अंगोरा ऊन, अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, किससे, जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से, ठीक है, कौन सी प्राप्त होती है हमें, अंगोरा ऊन प्राप्त होती है, ठीक। और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों से, अब नंबर आता है कश्मीरी, कश्मीरी बकरी से कौन सी होती है प्राप्त हमें,
बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये, कश्मीरी बकरी से कौन सी पश्मीना की शॉल बनाई जाती है? कश्मीरी बकरी से प्राप्त ऊन से क्या बनाई जाती है? कश्मीरी बकरी से प्राप्त ऊन, ऊन से क्या बनाई जाती है? पश्मीना शॉलें, पश्मीना शॉलें, शॉल बनाई जाती है। अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, पश्मीना शॉल किससे प्राप्त होती है? तो कश्मीरी बकरी से, ठीक है ना। पश्मीना शॉल ये एक बेहतर शॉल मानी है, शॉल अच्छी मानी जाती है, पश्मीना की बनी हुई सबसे अच्छी शॉल मानी गई है, ठीक है, ये बहुत गर्म होती है पश्मीना शॉल, ठीक है ना। अब तिब्बत तथा लद्दाख, तिब्बत तथा लद्दाख में, तिब्बत तथा लद्दाख में किसका ऊन प्रचलित है? याक का ऊन प्रचलित है, याक का ऊन प्रचलित होता है कहां पर? लद्दाख में। प्रचलित है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक, कहां पर? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण दक्षिण अमेरिका में किससे प्राप्त होती है हमें ऊन? देखिए यहां पर है लामा और एल्पेका, लामा और एल्पेका, नामक जंतुओं से, ठीक है ना, क्या बता रहा होगा? ऊन प्राप्त किया जाता है, ये कौन से जंतु से, जंतु से ऊन प्राप्त करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? ऊन प्राप्त होता है, हाँ, दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका। क्वेश्चन आ जाएगा लामा और एल्पेका जो ऊन प्राप्त की जाती है ये कहां पर पाए जाने वाले जंतु हैं, ठीक है, या दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जंतुओं के नाम जिससे ऊन प्राप्त होती है। तो कुछ भी हो सकता है, कह सकता है वो, दोनों में से कुछ भी कह सकता है वो, क्या ये बता दीजिए या ये बता दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है क्या, भेड़ के रेशे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, भेड़ के रेशे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। भेड़ पालक राज्य कौन कौन से हैं? भेड़ पालक राज्य कौन से हैं लिख लीजिए यहाँ पर इनको, क्योंकि ये दे रखा है, कभी पूछ सकता है भेड़ कहाँ कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, और कौन सा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये जो है प्रमुख स्थान है जहां पर भेड़ पाई जाती है। इसके अलावा भी जैसे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, हरियाणा है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा आदि, और जो कुछ जगह भेड़ पाई जाती है आदि लिख दिया, ठीक है ना। तो ये इतने प्रदेश हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं क्लास 7 की। तो भेड़ पालक राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। पूछा जा सकता है कोई चार राज्य दे देगा, उनमें से कुछ राज्य ऐसे देगा जहां पर भेड़ नहीं पाली जाती, वो पूछ लेगा निम्नलिखित में से भेड़ पालक राज्य है, या फिर तीन चार दे देगा, तीन ये दे देगा, एक ऐसा दे देगा जिसमें भेड़ पालक राज्य नहीं हुआ, तो पूछ लेगा इनमें से भेड़ पालक राज्य नहीं है,
तब आप कंफ्यूज होंगे, तो इनको याद कर लेना अच्छी तरह से ना। तो भेड़ का भोजन क्या होता है? चारा, पत्तियां, दालें, मक्का, ये सब भेड़ का क्या होता है? भोजन होता है। ठीक, रेशों की गुणवत्ता जो है उनके पोषण जलवायु, ठीक है, उनके पोषण जलवायु और उचित देखभाल पर निर्भर करती है रेशों की गुणवत्ता, कि किस तरह से वो रेशे हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना, जलवायु महत्वपूर्ण है, उसके लिए खाद्यान्न महत्वपूर्ण है, किस तरह का उनको खाद्यान्न दिया जा रहा है, कैसी वहां की जलवायु है और उनका गुणवत्ता उनकी कैसी है पशुओं की। ठीक है ना, अब नस्ली भेड़ों को जन्म देने के जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अब नस्ल उसके देखेंगे, नस्ल कौन सी नस्ल कहाँ पाई जाती है और उसकी उनकी गुणवत्ता किसके लिए उपयोगी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बताएंगे कौन सा राज्य और किस क्षेत्र में कौन सी उनकी गुणवत्ता पाई जाती है, कौन सी जंतु कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये टेबल बना लीजिए आप लोग, उसी के हिसाब से हम बताएंगे। जैसे नस्ल का नाम क्या है, ठीक है, नंबर एक। ठीक है, राज्य कहां पाई जाती है, कौन से राज्य में पाई जाती है, ठीक है, और उसकी गुणवत्ता या उससे क्या चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं बाखरवाल, नस्ल का नाम है बाखरवाल। ठीक है, बाखरवाल किसके है? भेड़ों की। ठीक है ना, बाखरवाल नस्ल, तो ये कहां पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, इसकी गुणवत्ता ऊन की सालों के लिए, किसकी? ऊन की साल के लिए बहुत अच्छी इसकी गुणवत्ता रहती है। ठीक है ना, दूसरे नंबर की कौन सी आती है? दूसरे नंबर की आती है रामपुर बुशायर, नंबर दो रामपुर बुशायर। ये कहां पाई जाती है? देखो, ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश। अब ये किसके लिए अच्छी होती है? भूरे ऊन वाले कंबल के लिए, भूरे ऊन वाले कंबल के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये, भूरे ऊन वाले कंबल इससे बनाए जाते हैं। किससे? रामपुर बुशायर से। इससे बाकरवाल से ऊन की शॉल बनाई जाएगी, ऊन की शॉल बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता मानी गई है रामपुर बुशायर की। भूरे ऊन वाले कंबल बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता मानी गई है, कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। अब नंबर तीन कौन सा था? नाली या नली, नस्ल का नाम है नाली या नली, ये भी नस्ल है, कभी कुछ और समझ बैठो। ठीक है ना, नाली या नली, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में। कहां पर? राजस्थान, पंजाब व हरियाणा में पाई जाती है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। ठीक है ना, और ये ऊनी वस्त्रों के लिए, किसके लिए? नाली किसके लिए? गलीचे के लिए। हाँ, ऊनी उसके लिए नहीं, गलीचे के लिए फेमस है ये। किसके लिए? गलीचे के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा गलीचे के लिए फेमस नस्ल का नाम बताइए, तो आप बताएंगे नाली या नली, गलीचे के लिए उपयोगी है। अब आएगा लोही, नंबर चार नस्ल है लोही। क्या नाम है इसका? लोही, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान व पंजाब। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये है ऊनी वस्त्रों के लिए, ऊनी वस्त्रों के लिए इसकी जो ऊन की गुणवत्ता है वो अच्छी मानी गई है। ठीक है, लोही के बाद आता है मारवाड़ी, नंबर पांच है
मारवाड़ी, मारवाड़ी किसके अंतर्गत आती है, गुजरात, ये आती है गुजरात के अंतर्गत। अब गुजरात में भी ये किसके लिए, मोटी व मोटी ऊन के कंबल के लिए, मोटी व रुक्ष ऊन के कंबल के लिए, मोटी व रुक्ष रूखी मोटी व रुक्ष क्या ऊन के कम बस ऊन के मोटी व रुक्ष ऊन के कंबल के लिए। मोटी में रुक्ष उनके कंबल के लिए, रुक्ष मतलब रूख है कंबल के लिए मतलब। अब उसके बाद आएगा नंबर छह, नंबर छह का आएगा पाटनवाड़ो, कहेगा पाटनवाड़ो। ये कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है गुजरात में हौजरी के लिए, इसकी फेमस है हौजरी के लिए गुजरात, और ये फेमस है होजरी के लिए। होजरी के वस्त्र आपने पहने होंगे या देखे होंगे, ये होजरी के लिए है, ठीक है ना। तो नस्ल बाखरवाल नस्ल जम्मू और कश्मीर पाई जाती है, ऊनी सॉल के लिए इसकी गुणवत्ता अच्छी है, रामपुर गुसाया उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, भूरे ऊन वाले कंबल के लिए, नाली या नाली राजस्थान पंजाब हरियाणा गलीचे के लिए फेमस है, लोही राजस्थान व पंजाब ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है, और मारवाड़ी गुजरात मोटी रुक्ष ऊन के कंबल के लिए फेमस है, और पटनवार ये गुजरात और होजरी ये वहां पर जाती है गुजरात में, और काय के लिए फेमस है, होजरी के वस्त्र निर्माण के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आज इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, साइंस के। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, ये आधा चैप्टर हमने आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताने के बाद समाप्त कर दिया है, बाकी कुछ रेशम कीट से संबंधित बातें, रेशम कैसे प्राप्त होती है और किन पौधों से वो प्राप्त होता है, हमें पाला जाता है रेशम कीट, ये सब, और उसमें क्या क्या जो है स्टेप्स होते हैं रेशम के कोकून से ऊन प्राप्त करने के, वो सब हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।